नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ से महात्मा गांधी जी का बड़ा ही गहरा नाता रहा है। 1920 में जब कन्वेल नेहरू सत्याग्रह में शामिल होने के लिए गांधी जी रायपुर पहुंचे थे तो वो भीड़ के बीच कंधे पर बैठाकर स्टेज पर पहुंचाए गए थे और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को मात दी थी। पर अब राजनीतिक पार्टियों के लिए गांधी जी के प्रेम की परिभाषा जरा बदल गई है। अब कभी चश्मे पर तो कभी चुनाव में गांधी जी का प्रेम उमड़ा उठता है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ जाते हैं। पर इस बार क्यों कांग्रेसी बीजेपी पर हमलावर हैं, क्या है इसके राजनीतिक मायने, देखिए हमारी इस खास पेशकश बापू हमारे हैं में। गांधी किसके हैं, ये यूं कहें कि कौन गांधी जी का है, पूरे देश में ये बहस चल पड़ी है। भाजपा नेता पदयात्रा करके ये जता रहे हैं कि गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे देश के हैं, जिसमें वो भी शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे को भाजपाइयों के पूर्वज बताकर उन्हें गांधी के विरोधी के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और क्यों गौडसे मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के गांधी प्रेम पर बड़ा तीखा हमला बोला है। भूपेश बघेल ने गांधी जयंती पर पदयात्रा और दूसरे दिन आयोजनों में शिरकत करने जा रहे नेताओं को कोर्ट से मुर्दाबाद कहने की चुनौती दी। लेकिन दो दिन बाद भी जब किसी भाजपा नेता ने गोर से मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए तो भूपेश बघेल ने गोरसे को भाजपाइयों का पूर्वज भी बता डाला। तो गांधी के मानने वाले हैं, गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़े हैं। जब गांधी लड़ाई लड़ रहे थे तो इनके पूर्वज इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन हृदय परिवर्तन हुआ है। हम तो कहते हैं कि गोर से मुर्दाबाद के नारा लगा ले। दरअसल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के 150वें जन्मदिन पर भाजपा खुद को गांधी के साथ खड़ा करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस गांधी को आगे करके भाजपा को गोडसे के साथ खड़ा करना चाहती है। लेकिन भूपेश उन्हें गोडसे के साथ वाला बताकर उन्हें गांधी विरोधी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद ट्विटर पर कांग्रेस नेता भाजपा नेताओं से पूछने लगे हैं आखिर वे गोडसे मुर्दाबाद के नारे कब लगाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वे यदि वाकई में इतने गांधीवादी हो गए हैं, इतने गांधी समर्थक हो गए हैं, तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा वो कहां लगाने वाले हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी बताएं, धर्मलाल कौशिक जी बताएं, विक्रम उसेंडी जी बताएं, जगह बताएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमें इंतजार है, जगह बताएं। सवाल के निशान पर खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक और विक्रम उसेंडी से पूछा गया, लेकिन कोई भी नेता सामने इसका जवाब नहीं दे पाया। अलबत्ता जूनियर नेताओं से पार्टी ने मोर्चा संभाला, लेकिन हर नेता ने अलग अलग बातें कहकर गोर से मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। देश का प्रत्येक नागरिक उनकी 150वीं जयंती को बड़े उत्साह के साथ में मना रहा है। ऐसे समय में गांधी जी को मानने वाले ये तथाकथित कांग्रेसी 150वीं जयंती को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है। ये कहना कि गांधी जी के जिंदाबाद के नारे लगाएं, मुझे लगता है कि इसके प्रमाण पत्र लेने की इस भारत के नागरिकों को कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी को लेकर सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पहली बार बेहद सजग है। दरअसल कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये आक्रामकता सबसे ज्यादा नजर आ रही है। कांग्रेस भाजपा को गोडसे की ओर खड़ा दिखाना चाहती है, जबकि भाजपा कांग्रेस के दाब को भापते हुए बीच से निकलना चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महापुरुषों और भगवान पर होती है राजनीति और कहां तक पहुंचती है। जनता के विकास मुद्दों पर बात करने की वजह से सत्ता और विपक्ष क्यों महापुरुषों को मुद्दे बनाकर बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। बता दें अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर जहां पर बीजेपी पदयात्रा निकालने वाली है पूरे देश में जयंती पर, गांधी जयंती पर, तो उसे विपक्ष कहीं ना कहीं निशाने पर ले रहा है। ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के कुछ नेताओं से सवाल किए हैं और पूछा है और कहा है कि आप नाथूराम गौडसे के मुर्दाबाद के नारे कब और कहां लगा रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अक्सर महात्मा गांधी जी के लिए प्रेम राजनीतिक पार्टियों के लिए ऐसे ही उमड़ता आ रहा है, कभी चश्मे को लेकर तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर, कभी अब पदयात्रा को लेकर।
इस पर बवाल मचा हुआ है। गांधी जी किसके हैं? कांग्रेस पार्टी अपना बता रही है तो बीजेपी भी गांधी जी को अपना बनाने की कोशिश में लगी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा हाल ही में विधानसभा चुनाव में जो भाषण में गांधी जी के लिए जो दिखा था, उसके बाद से एक ऐसे नजरिया पेश हो गया था बीजेपी पार्टी के लिए कुछ नेताओं की वजह से कि बीजेपी पार्टी गांधी विरोधी है। लेकिन अब बीजेपी अपनी वो छवि सुधारने की कोशिश कर रही है और लगातार ये बीजेपी कहना चाहती है कि आखिर वो भी गांधी जी से ही उतनी ही उन्हें शिद्दत से उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं और उतना ही प्यार करते हैं जितना कांग्रेस करती है, देश के अन्य लोग करते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी जो कि भाजपा नेता है, रमेश वल्याने जी कांग्रेस नेता हैं और साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सबसे पहले रमेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, गांधी जी कांग्रेस के हैं, ये कहां लिखा हुआ है या फिर क्या कॉपीराइट है, क्या वजह है कि गांधी जी के नाम के पास हमेशा कांग्रेसी या गांधी जी हमारे ही हैं यही कहा जाएगा? बीजेपी या फिर और कोई पार्टी गांधी जी के साथ कोई पदयात्रा नहीं निकाल जा सकती है और गांधी जी का कोई आयोजन नहीं रख सकती, क्या वजह है जिसकी वजह से ये पदयात्रा पर निशाना साधा जा रहा है? देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। सबको पता, गांधी जी ने देश से जाति प्रथा को मिटाने का काम किया था, है ना? गांधी जी ने देश में समरसता का वातावरण बनाया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये भाईचारे का नारा गांधी जी का था। तो गांधी जी की सही विरासत तो कांग्रेस पार्टी ने ही देश में आगे चला के रखी है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता की कोई विरासत नहीं है क्योंकि आजादी आंदोलन का कोई योगदान नहीं था, उनके पास इतिहास में कोई नाम दर्ज नहीं है कि आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान था। उल्टा उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे अंग्रेजों के साथ थे। तो अब अपने इस लांछन को, अपने इस दाग को मिटाने के लिए वो कभी सरदार पटेल जी का नाम लेते हैं, कभी गांधी जी का नाम लेते हैं। लेकिन सवाल का जवाब, सवाल का आपने जवाब देना चाहिए वो आपने नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे, सहयोग रहा, कौन उनके साथ थे कौन नहीं थे, लेकिन सवाल ये है कि गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सिर्फ कैसे हुए, एकाधिकार कैसे हुआ कांग्रेस पार्टी का? गांधी जी कांग्रेस पार्टी के थे? नहीं, एकाधिकार की बात नहीं हो रही है। गांधी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी को लेने का अब तक अधिकार नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग गोडसे के खिलाफ नहीं बोलते हैं। जिस गोडसे ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होकर गांधी जी को गोली मारने का काम किया, उनके मुंह से गांधी जी का शब्द शोभा नहीं देता है। यदि गोली मारने का काम जनता पार्टी के नेताओं के मन में गोली मारने का काम किया रमेश जी, किसने गोली मारने का काम परिवर्तन हुआ है, किसने काम किया? आपने बोला ना कि अभी बीजेपी और आरएसएस मारा, जो आरएसएस, किसने मारने का काम किया? बीजेपी आरएसएस के विचारों से गोडसे तो सबसे पहली चीज कि अगर बीजेपी के कुछ लोगों की मानसिकता है, अगर उनके खुद के व्यक्तिगत विचार है, तो आप पूरी बीजेपी पार्टी पे कैसे थोप सकते हैं? वो बीजेपी पार्टी ने आधिकारिक रूप से ये कहा है, बीजेपी ने आधिकारिक रूप से ये कहा है? नहीं नहीं, हमारा ये कहना है सर, व्यक्तिगत आप किसी के विचार पूरी पार्टी पे कैसे थोप सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस था इसलिए थोप सकते हैं क्योंकि गोडसे ने वो काम किया है गंदा, तो भारतीय जनता पार्टी को उसके खिलाफ बोलने में क्या तकलीफ है? गोडसे की निंदा करने में क्या तकलीफ है? व्यक्तिगत विचार किसी के भी हो, कोई भी गोडसे से इतफाक रखता हो, लेकिन बीजेपी पार्टी गोडसे से इतफाक रखती है कैसे कह सकते? बीजेपी यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब कुछ नेताओं ने ये बयान दिए थे तब केंद्र की तरफ से उन्हें हड़काया गया था, और अभी हाल ही में यूएन में 10 से 15 मिनट का भाषण दिया था गांधी जी के ऊपर महात्मा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। आप कह रहे हैं कि गांधी जी को बीजेपी मानती नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैं आपके पास आना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास आऊंगा रमेश जी, चंद्रशेखर जी अगर मैं कंप्लीट कर लीजिए रमेश जी, बोली में गांधी और कर्म में गांधी विरोधी, दोनों कैसे चलेगा? कर्म में गांधी जी, बीजेपी ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जी? जी चंद्रशेखर जी, ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया यहाँ देश में? और अगर बोला जा रहा है तो आप यहाँ बोलने का काम कौन कर रहा है? चलिए चंद्रशेखर जी से जवाब ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी, क्या आपकी पार्टी गोडसे को सपोर्ट करती है? मैं आपके बात को सुन रहा था
और रमेश जी जैसे वरिष्ठ समाजवादी यदि किसी बात को इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करें तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा लोकतंत्र में। कुल मिला के कांग्रेस के लोग ये सोचते थे कि गांधी उनके ब्रांडिंग वो है, ब्रांडिंग करने का उनका काम किया। गांधी ने के नाम पर उस सत्ता में आए, गांधी को उन्होंने कैद कर लिया, गांधी के विचारों की हत्या कर दी, हत्या और, हाँ, और एक प्रकार से गांधी जी को चौराहों पे खड़ा कर दिया। और चंद्रशेखर जी ये विरासत तो छोड़िए, ये तो मैं बाबूलाल जी के इतिहास क्या रहा, लेकिन आप ये बता दीजिए कि पार्टी आपकी नाथूराम गौडसे से इत्तेफाक रखती है? बड़ा सीधा सा सवाल। नहीं, कतई नहीं इत्तेफाक रखती है। रमेश जी खेल खत्म हो गया जब उन्होंने बोल दिया पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती। और मनसा वाचा कर्मणा मैं आज कह रहा हूँ अधिकृत तौर पे कि नाथूराम गौडसे को वास्तव में जिंदा रखा है तो कुछ कांग्रेस कैसे मित्र जो बार बार उसका नाम लेते हैं। अरे आपके ही गौडसे को और जबरदस्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन पर ये लांछन लगाते हैं। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में ठीक है कांग्रेस पार्टी खुद इतिहास का वस्तु होने वाली है, ठीक है जैसा दिख रहा है। ठीक है ठीक है चंद्रशेखर जी, ये थोड़ी ऊपर की बातें हो गई, ये थोड़ा सा काल्पनिक बातें हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता गांधी की बात करें तो आप चंद्रशेखर जी कुछ काल्पनिक बातें हो गई। अभी बाबूलाल जी से सवाल कर लेते हैं। बाबूलाल जी जिस तरीके से अभी रमेश जी ने कहा कि इतिहास में योगदान, देश की आजादी में योगदान कांग्रेसियों का रहा, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, ये सब इनमें कांग्रेसी के विचारधारा के थे या फिर इनमें कांग्रेसियों का खून रगों में इनके दौड़ रहा था, ये कैसी परिभाषा प्रदर्शित की जा रही है कि कांग्रेसियों का ही योगदान रहा है देश की आजादी में? देखिए सबको मालूम है, यहाँ बैठे दोनों साथियों को भी मालूम है कि कांग्रेस जो है वो एक ऐसा मंच था जिस पर हर प्रकार के लोगों ने जो है आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो है इकट्ठे हुए थे, उसमें सारे प्रकार के लोग थे। अब आइए आपकी गांधी जी कैसे कांग्रेस के हो सकते हैं, सिर्फ कांग्रेस के कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। तो एक तर्क इसमें जरूर दिया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वो 1936 या 34 में अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, और वो इनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे। इस तरह से ये तर्क दे सकते कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे वो हमारे हैं, ठीक है। लेकिन बाद के काल में आप देखिएगा महात्मा गांधी को महात्मा के रूप में माना गया और राष्ट्र के पिता बने वो, और राष्ट्र के नेता बने, राष्ट्र के हर एक व्यक्ति के लिए वो प्रिय थे और जनता उनको चाहती थी, और जिनको जनता चाहती है वो कितनी भी बड़ी पार्टी दूसरी उसका विरोध करे तो वो बेकार हो जाता है। और राष्ट्र पूरा जो है वो गांधी जी के पीछे चला, उनके इशारे पे चला, कई बातें उनके मन की नहीं हुई थी, उन्होंने मनवाने के लिए क्या क्या किया वो पूरा इतिहास गवाह है। दोनों डिबेटर भाई हमारे जानते हैं कि इतिहास में किस तरह से गांधी जी ने अपना काम किया और किस तरह अहिंसा के नाम पर उन्होंने आगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस रूप में जरूर कह सकती है कि हमारे वो अध्यक्ष रहे हुए हैं, लेकिन बाद की स्थितियों को भी देखना पड़ेगा कि राष्ट्रपिता बनकर के वो सबके व्यक्ति थे, वो भारतीय जनता पार्टी इसके उसके नहीं। और फिर उनका एक कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी तो जब थी ही नहीं, जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी तब तो जनसंघ थी, तो जनसंघ के ऊपर वो कह सकते हैं, लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी उसमें बाहर से भी काफी लोग आए हैं। और गठन नहीं हुआ था, नहीं मैं कह रहा हूँ गठन 1991 में 51 में हुआ। नहीं मैं जो कह रहा हूँ आपके पास 1950 के पहले की है, मैं कह रहा हूँ। तो तब तो कांग्रेस का एक मंच था जिसमें वामपंथी भी थे, जिसमें आप भगत सिंह का नाम ले रहे, राजगुरु का नाम ले, सब लोग गांधी जी के आसपास थे और गांधी जी से कोई असहमत होता था कोई सहमत होता था, लेकिन उनके बाहर नहीं जाते थे। गांधी जी एकमात्र ऐसे लीडर थे जिनके पीछे लोग चलते थे, उनके आगे कोई चला हो बता दीजिए कि इतिहास में मेरे को कोई भी व्यक्ति, चाहे सरदार पटेल हो, नेहरू जी हो, जो भी उस काल में नेता बने, अब खान अबुल गफार खान थे और थे, सब उनके पीछे चलते थे, सब बड़े से बड़े नेता, चाहे समाजवादी बाद में रहे हों, जो भी रहे हों, सब उनसे सहमत रह करके असहमत रह करके साथ चलते थे, क्योंकि लड़ाई आजादी की थी, देश की आजादी का मसला था, राष्ट्र का मसला था। गांधी जी न किसी के हैं एक पार्टी के, न किसी के थे, लेकिन हाँ
कांग्रेस इस बात पे जरूर कह सकती है कि वो हमारे अध्यक्ष रहे हुए हैं कांग्रेस के, 1934 में उनको चुना गया था और वो 34 या 36 जो भी है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उस समय उनको अध्यक्ष चुना गया, वो एक साल भर तक अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो कभी अध्यक्ष नहीं बने, दोबारा बने ही नहीं। तो ये लेकिन कांग्रेस की पार्टी में उनकी बातें चलती थी और वो जिसको भी कुछ कहते थे, राष्ट्र के बड़े से बड़े नेता उस बात को मानते थे, जो असहमत होते थे वो मौन हो जाते थे और अपने तरीके से काम करते थे। उनमें राजगुरु थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, जो गरम दल थे, जो नरम नहीं थे, कई और लोग, लाला लाजपत राय थे, बहुत से ऐसे नाम है जो मैं यहाँ गिनाने बैठूंगा तो आपका समय खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है राष्ट्रपिता के नाम पर जो है, एक बात सही है कि अगर किसी ने प्रश्न किया था, जहां तक भूपेश बघेल की बात आई है, प्रश्न किया पत्रकार ने कि साहब ये जो है जयंती मना रहे हैं, तो किसी को जयंती मनाने से नहीं रोका जा सकता, गांधी जी की याद करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, जिसको याद करना हो करे, उसमें एतराज नहीं है, लेकिन किसी पत्रकार ने प्रश्न किया उसका जवाब देना है और जवाब भी ऐसा देना है जो तीखा हो, राजनीति जिसमें शामिल हो। इसलिए जो है भूपेश बघेल ने कह दिया गोडसे को मानने वाले लोग, क्योंकि आज भी ये प्रतिष्ठा दिलाई गई है कि गोडसे भारतीय जनता पार्टी या संघ के व्यक्ति थे, इसलिए जो है जब तक गोडसे को मुर्दाबाद नहीं कहेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी में भी है, तब तक जो है हम किसी हाल में गांधी जी को इनका नहीं मानने देंगे, बनने देंगे, गांधी जी हमारे थे, हमारे अध्यक्ष रहे हुए हैं, ये है मुद्दा। ठीक है रमेश जी, अब अगर राष्ट्रपिता की परिभाषा बड़ी अच्छे से बाबूलाल जी ने समझाई है, अब राष्ट्रपिता होने के बावजूद भी अगर बीजेपी पदयात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? नहीं देखिए हम, या फिर ये क्या बात हुई कि भाई तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप नाथूराम गोडसे के जो मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आपके गांधी जी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। पूरा देश जानता है कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की है और नाथूराम गोडसे उस समय आरएसएस के विचारों से प्रभावित थे। आज ये गांधी जयंती मनाए, हमको इसमें थोड़ी एतराज है, लेकिन हम इसे यही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी नाथूराम गोडसे की निंदा करनी चाहिए। इनको निंदा करने से क्यों परहेज होना चाहिए? निंदा करने से क्यों परहेज होना चाहिए? मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद सर्टिफाई हो जाएगा गांधी जी की जो विचारधारा थी, मुर्दाबाद नारे लगाने के बाद सर्टिफाई हो जाएगा, जनता को दिखेगा ना कि ये सर, ये अगर कहें आपके यहाँ सर्टिफाई हो जाएगा तो निश्चित रूप से होगा। अच्छा मतलब आप कांग्रेस पार्टी आज का सर्टिफिकेशन दे रही है गांधी जी के? तो बताया ना कि इनके मन में गोडसे के, इनके मन में गोडसे के प्रति जब वो सर खुले मन से कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं, फिर ये नारा कहाँ से आ गया मुर्दाबाद के नारे लगाने का? जब वो अपना ही नहीं रहे तो उन्हें धक्का रहे क्यों? साहब नहीं, सवाल ये है जबरदस्ती उसको जिंदा करने का काम साहब साहब बोल रहे हैं, हमारा कोई इत्तेफाक नहीं पार्टी का, कुछ लोगों का है तो वो कुछ लोग बोलेंगे जो उस विचारधारा से प्रभावित होंगे नाथूराम गोडसे भाई, जिनका आजाद उसी विचारधारा को तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश में लागू कर रही है। आज देश में क्या वातावरण है? हमारी सामाजिक समरसता टूट रही है, भारतीय भाषाओं में झगड़ा करने का काम कर रहे हैं, जो गांधी जी के विचार थे, गांधी जी की जो सोच थी उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है, और ये बोलेंगे हम गांधी जी के साथ है। ठीक है ठीक है, मुंह में रात बगल में छुरी थोड़ी चलेगा। ठीक है चंद्रशेखर जी, ये बवाल अगर इतना ही बड़ा खड़ा हो रहा था और ये इससे अलग नहीं जा सकती, ये कारण नहीं जा सकता, इस चीज को साइड में नहीं रखा जा सकता कि बीजेपी पार्टी के कुछ बड़े नेता भी इस तरीके के बयान दे चुके हैं इससे पहले, ये आप भी भली भांति जानते हैं, लेकिन अगर जब बयान आप दे सकते हैं तो उस बयान की निंदा भी कर सकते हैं, तो अगर दिक्कत ये हो रही तो नाथूराम गोडसे की आप बोल दीजिए मुर्दाबाद। हम तो 10 बार मुर्दाबाद बोल रहे हैं और जहाँ रमेश वल्यानी जी कहेंगे वहीं जाके मुर्दाबाद बोल रहे हैं ना, तो वही तो बोलवाना चाह रहे हैं। लेकिन दीपक जी एक बात कहना चाहूंगा, मैं पूरी पार्टी बोले साउंड नहीं आ रहा है, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी दीपक जी कि वास्तव में ये 1950 के पहले की बात है, उसको यदि कोई उठाता है तो कांग्रेस के लोग और जबरदस्ती उसका नाम को प्रचारित करते हैं। कहां 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 150वीं जयंती मनाई जा रही है, देश में और दुनिया में एक अलग वातावरण है, और ऐसे स्थिति में आप उनके नाम को आप लेके खुद प्रचार कर रहे हैं, मतलब आप क्या चाहते क्या है आप? अरे गांधी जी के समकक्ष आप उसको खड़ा करते हैं, ये कांग्रेसियों का चाल है, ये कांग्रेसियों का एक प्रकार से
एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। तो सर आपके 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 नेताओं की जुबान पर भी तो ताला नहीं लगता है, वो भी तो अनगल बयानबाजी करते हैं गांधी जी को लेकर। ठीक है मुझे तो बस जाहिर सी बात है सर, तो फिर यही लगता है ना कि पूरी पार्टी अभी भी वही नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर चल रही है। कुछ नेता यदि किसी कारण से पूर्वाग्रह से ग्रसित है और किसी मानसिकता से ग्रसित है, उसको पूरे पार्टी के उसको नहीं मानना चाहिए कि पूरा पार्टी का। और अगर उन्होंने ट्विटर पे ये बोला है पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस को समाप्त करने का एक प्रकार से सुझाव दिया था कि इस देश में यदि सचमुच में सुशासन लाना है, इस देश में लोकतंत्र को ठीक प्रकार से स्थापित करना है, तो कांग्रेस संस्था को एक प्रकार से डिसमिस कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन ये तो गांधी के नाम पर सत्ता में काबिज रहे। सवाल आज हो रही है ना, आज देखिए सवाल चंद्रशेखर जी अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर करके पूछा था देश की जनता ने, और अगर नारे लगाने के लिए बोला था, एक बार बोलने के लिए बोला था, तो आखिर आपका पूर्व मुख्यमंत्री ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए मुख्यमंत्री खुद ही बवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं नहीं पूछे, अरे भाई जवाब नहीं दिया मुझे, अब जवाब देने की क्या बात है इसमें? हम लोग अपना काम करेंगे। वैसे तो आप हर ट्वीट का पलटवार करते हैं सर चंद्रशेखर जी, वैसे तो आपकी पार्टी कहीं पीछे नहीं रहती है एक भी सवाल का जवाब देने में, इसमें चुप्पी क्यों साधी? सिलसिले में लोग रचनात्मक काम में लगे और प्रधानमंत्री का जो आह्वान है उसको पूरे देशवासियों ने और पूरे दुनिया के, चंद्रशेखर जी मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, चंद्रशेखर जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ऐसा कोई भी एक मुद्दा बता दीजिए इसमें पलटवार ना किया हो या फिर उस ट्वीट का जवाब ना दिया गया हो बीजेपी पार्टी की तरफ से। जी नहीं, कौन से मुद्दा की बात कर रहा? किसी भी मुद्दे का दिया ना आपने पलटवार का, मतलब पलट के जवाब दिया ना उसका, फिर इसका क्यों नहीं? तो गोल गोल बातें कर रहे हैं सभी जो नेता है, खुल के क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप इसका भी जवाब है कि गोडसे का नाम किसने लिया आज के डेट में? आप केवल राजनीतिक बवाल खड़ा करने के लिए उसका नाम ले लिए, बाकी जगह कोई तो नाम नहीं लेगा उसका, इसका मतलब क्या है? तो सर आपका भी तो गांधी जी के लिए प्रेम बड़े समय समय पर ही दिखता है कि आप पूरे इसमें संदेह नहीं, पूरे जो सामाजिक समरसता को बढ़ाना चाहिए सबको मिलकर करना चाहिए। 185 वर्ग स्टार्ट का विषय है, अनेक योजनाओं को राज्य सरकार लॉन्च कर रही है, अनेक योजनाओं को केंद्र सरकार लॉन्च कर रही है, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, सुपोषण की बात शुरू की जा रही है, उसको बात करना चाहिए। लेकिन नई कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहा है, कुल मिला के आपने भी चंद्रशेखर जी आपने भी गोल गोल जवाब दिया है। और गांधी एक जो दिल्ली में जो गांधी परिवार बैठे है ना उसको खुश करने का काम ही है। आपने भी कोई बात नहीं, क्या लिए है चंद्रशेखर जी आपने भी वही गोल मोल जवाब दिया। कुछ नेता जो है हम भी सबका आदर करते हैं, बिल्कुल माफी चाहूंगा, गोल मोल जवाब की बात नहीं कर रहा हूँ बाबूलाल जी, मैं तो सीधे सीधे दोनों पार्टियों का सियासी समीकरण आप समझ रहे बखूबी। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा या फिर मुर्दाबाद के नारे लगवाने के लिए बोला के तो बीजेपी को यहाँ क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे और कोई पक्ष हो, यदि 150 वर्षगांठ को ठीक से मनाएंगे तो मुझे लगता है उसके देखिए जो चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, जो वीरवेश लानी की अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से वो बात कर रहे हैं, इन पर आरोप लगे हैं इन्होंने उस ढंग से, जो 7 बार इन्होंने अभी आपके चैनल पे सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि गोडसे मुर्दाबाद, इन्होंने 7 बार कह दिया, ये प्रवक्ता के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप बैठे हैं, अगर ये कह रहे हैं मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, एक चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुराने बहुत पुराने सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मंत्री रहे हैं, जिम्मेदार मंत्री रहे हैं, तो जिम्मेदारी के साथ जब प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कह रहे हैं कि मुर्दाबाद, मतलब ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद कह रही है। बिल्कुल, अब इसको कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, कुछ संघ की नेता सभी पार्टियों में होते हैं, कांग्रेस में भी कुछ संघ की नेता ऐसे हैं जो बार बार उल्टे पुल्टे बयान देकर भूपेश बघेल के लिए भी समस्या पैदा करते हैं। बिल्कुल,
चंद्रशेखर साहब की पार्टी में भी ऐसे कुछ समके नेता है जो उल्टे पुल्टे बयान दे करके नरेंद्र मोदी की भी समस्या पैदा करते हैं और यहाँ डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर भी समस्या पैदा करते रहे हैं। कुछ अधिकारी भी ऐसे सनकी होते हैं, सब तरफ सनकी तो हर जगह है। उन सनकियों पर जो है पूरी पार्टी के ऊपर में डिपेंड करके बात करना मैं समझता हूँ कठिन और बिल्कुल मुश्किल काम है, और उसको दूसरे हट करके जो है इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भूपेश बघेल जी ने कहा था कि आप पहले मुर्दाबाद के नारे लगाइए। प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे चंद्रशेखर जी ने 7 बार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये भी कह दिया कि जिस चौक पे आप हमको जाके कहेंगे हम वहां जाकर के उनको मुर्दाबाद कह देंगे। अब तो कम से कम महात्मा गांधी सबके हो जाएं, इसके बाद तो अब कुछ गड़बड़ ना रहे। अब तो सभी को मान लेना चाहिए महात्मा गांधी सबके हैं, या 125 करोड़ जनता के महात्मा गांधी है, किसी एक के नहीं है, वो हर व्यक्ति के महात्मा गांधी जो उनसे सहमत है, जो उनको मानता है, और जो नहीं मानता उसको मेरी सलाह है, बिना मांगे सलाह है कि उसको स्पष्ट रूप से माइक में कह देना चाहिए कि मैं गांधी को नहीं मानता, तब बात बनेगी। अन्यथा गांधी तो सर्वमान्य है, उन्हीं के नाम के नोटों को चला करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी, चंद्रशेखर जी और बाबूलाल जी, आप तीन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से गांधी जयंती पर बीजेपी पदयात्रा निकालने जा रही थी उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो तंज कसा था ट्विटर के माध्यम से कि पहले सबसे पहले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाओ, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि गांधी जी के लिए प्रेम किसके दिल में क्या है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है, अभी तक नहीं थे, लेकिन चंद्रशेखर जी के बार बार कहने पर कि बीजेपी ये कहती है जहां बोलेंगे वहां कहेंगे कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारे उन्होंने किए और लगाए भी और जगह भी बताई, लेकिन अब ये इससे सर्टिफाइड हो जाता है कांग्रेस की तरफ से कि हाँ बीजेपी के भी अब महात्मा गांधी हो चुके हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।